वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम एस आई पी एस स्टडी में आपका स्वागत है। एम एस आई पी एस स्टडी लेकर के आया है क्लास
तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं टेनर 13 मई 1967 टू 3 मई 1969 तक, यानी कि 1967 से 1969 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला 1967 एंड 1969 तक वो भारत के प्रेसिडेंट रहे। एक और बात मैं बता दूं, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि मुस्लिम थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज ही शपथ हिमसेल्फ स्वयं टू द सर्विस, यानी सेवा के साथ और टोटलिटी में संपूर्ण, और भारत मतलब भारत के किस चीज़ के लिए वो हिमसेल्फ सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडिया डैश डैश। तो क्या होगा पहला, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा आपका, कल्चर इसका बी नंबर सही क्वेश्चन होगा। जैसे आप इधर पिक्चर में आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेंट बाई, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले प्रेसिडेंट कौन आए। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए। आप चित्र में देख पा रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ये सबसे पहले आए। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद प्रेसिडेंट कौन आए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी.वी. गिरि। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सी डैश एक्सेप्ट्स ऑफ टू वर्क, कितने पहलुओं को वो एक्सेप्ट करते हैं वर्क को। तो इनके पहले ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टू, इसका ऑप्शन होगा टू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर टू दी स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस अवसर पे पहले वे स्पीच दे रहे हैं। तो पहला है टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, दूसरा ऑप्शन है टेकिंग ओथ एज द वीसी एंड जामिया, तीसरा ऑप्शन है ऑन रिपब्लिक डे 1968, और डी नंबर का ऑप्शन है टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो यही आपका जो डी नंबर है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए डैश डैश इक्विपमेंट, यहाँ पे एक वर्ड है प्रेसिडेंसी जो कि इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का पद। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऑफिडेंसी को यानी उस राष्ट्रपति के पद को क्या किया, कैसे चार्ज लिया, कैसे मजबूती दी, इक्विपमेंट मतलब मजबूती, हेल्दी, सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेंटल होगा, जो कि आप इस पिक्चर से चित्र से देख करके क्लियर हो पा रहा है। जैसे मेंटल की यहाँ पे चित्र आपको माइंड की एक्सरसाइज का चित्र आप देख पा रहे हैं, इससे आपको रिमेम्बर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया इज एंड डैश स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग भारत पुराने लोगों का कैसा राज था, न्यू यंग ओल्ड एंशियंट। तो आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट डैट द होल ऑफ भारत इज खाली जगह, खाली जगह। तो मैं आपको देखना है पहला ऑप्शन फैमिली या कॉन्स्टिट्यूशनी, इसके बाद है होम या मेंशंस। तो हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु सेज डैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पजेस, यानी ताकत का जो इस्तेमाल जो है, यानी ताकत का इस्तेमाल मोरल पर्पज के लिए यानी नैतिक के लिए होना चाहिए, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कि आप राइट साइड में टिक देख पा रहे हैं, इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि इसका आंसर होगा डी नंबर, महात्मा गांधी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।